दोस्तों आजकल सिक्योरिटी पर्पस की वजह से तकरीबन हर जगह पर कैमरास इंस्टॉल कर दिए गए हैं, भले वो रोड हो, शॉपिंग प्लाजाज हो, घर के बाहर गली हो, हत्ता के लोग घर के अंदर भी सीसीटीवी कैमरा लगवाते हैं। इसीलिए आपको जगह जगह ये लिखा हुआ नजर आएगा कि खबरदार, कैमरे की आंख आपको देख रही है। और अक्सर औकात ये आंखें कुछ ऐसे मंजर कैप्चर कर लेती हैं कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। तो टीम वॉइस डेली आज आपको सीसीटीवी कैमरास पर रिकॉर्ड होने वाली कुछ ऐसी वीडियोस दिखाएंगी कि जो पहले शायद ही आपने देखी हो। लेकिन दोस्तों हैरानी का एक झटका आप हमें भी लगा सकते हो, वो कुछ यूं कि वीडियो देखने से पहले ही इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही साथ नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर बन जाओ ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। दोस्तों वैसे तो बेटियां खुदा की रहमत होती हैं, लेकिन जब इंसान लालच में बिल्कुल अंधा हो जाए तो फिर ये खूबसूरत रिश्ता भी तबाहो बर्बाद हो जाता है। और इंडियन शहर चेन्नई के राजगोपाल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सितंबर 2015 में 83 बरस के राजगोपाल जब बीमार पड़ गए तो उन्हें हॉस्पिटल ICU में एडमिट कर दिया गया और उनका इलाज जारी था। एक दिन ICU में उनकी बेटी जया सुधा, जो बजाते खुद एक डॉक्टर थी, उनसे मिलने के लिए आई। कुछ देर के बाद वो मेडिकल स्टाफ को ये कहकर बाहर निकाल देती है कि वो अपने बाप के साथ कुछ प्राइवेट बातें करना चाहती है। नर्सिस के बाहर जाते ही जया सुधा का बेटा अपनी शर्ट में से कुछ प्रॉपर्टी के पेपर बाहर निकालता है और जबरदस्ती वो खातून अपने बाप के अंगूठे उन पर लगवा लेती है। उसके बाद वो बड़ी होशियारी के साथ बाप के अंगूठे से इंक का निशान खत्म करती है। और दोस्तों लालच की ये अफसोसनाक कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। जया सुधा अपना मेडिकल नॉलेज यूज करते हुए अपने बाप को मारने के लिए ऑक्सीजन मशीन और दूसरी ड्रिप वगैरह बिल्कुल अनप्लग कर देती है। इसी दौरान डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ रूटीन के चेकअप पर कमरे में आते हैं तो ये सब लोग बारी बारी वहां से निकल खड़े होते हैं। नर्स भी आकर पेशेंट को तमाम मशीनों से अनप्लग देखती है तो वो ये समझती है कि शायद ड्रिप वगैरह यूं ही उतर गई हो और दोबारा उसे रूटीन मैटर समझते हुए लगा देती है। 83 बरस के राजगोपाल काफी शोर तो मचाते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं होता कि कैसे एक सगी बेटी अपने बाप का मर्डर अटेम्प्ट कर सकती है। लेकिन फिर एक साल के बाद ये सीसीटीवी कैमरा फुटेज देखी जाती है तो सबको पता चल जाता है कि वो डॉक्टर बेटी, जिसे मसीहा होना चाहिए था, वो मौत का फरिश्ता बनकर इस कमरे में आई थी। और दोस्तों वाकई अगर सीसीटीवी कैमरा ICU में ना लगा होता तो जिंदगी भर किसी को असल मुजरिम का पता ही ना चलता। व्यूअर्स, इस मुजरिम की जो कार्रवाई सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुई वो आपको हंसा हंसा कर पागल कर देगी। कार वॉश सर्विस में ये वर्कर अपना काम कर रहा था कि अचानक उसे लूटने के लिए एक शख्स वहां पर दाखिल होता है और चाकू दिखाकर उससे सब कुछ हवाले कर देने को कहता है। बजाहिर वर्कर उसकी बात मानकर चुपचाप अंदर की जानिब तो जाता है, लेकिन अंदर से एक गन बाहर निकाल लाता है, जिसे देखकर वो रॉबर सर पर पांव रखकर भाग निकलता है। लेकिन तब तक उस कार वॉश सर्विस का दरवाजा बंद कर दिया जाता है और गन पॉइंट पर वो कर उस डाकू से अपनी तमाम गाड़ियां साफ करवाता है। और अगर सीसीटीवी कैमरा पर ये मंजर रिकॉर्ड ना हुआ होता तो शायद कोई भी यकीन न करता। और व्यूअर्स, इससे भी नाकाबिले यकीन सीसीटीवी फुटेज है वियतनाम के इस घर की, जहां पर एक माँ अपने बच्चे को खतरनाक पाइथन स्नेक से बचाकर भागती है। हुआ कुछ यूं कि ये माँ अपने बच्चे के साथ उसे सुलाने के लिए झूले में लेटी हुई थी, उसे जगह जरा कम लगी तो नीचे बैठकर उसे झूला झुलाने लगी। तब भी उसे अंदाजा न हुआ कि उसके घर में एक लंबा खतरनाक पाइथन स्नेक घुसाया हुआ है। अचानक जब उसकी नजर उस सांप पर पड़ी तो उसका दिल दहल गया और उसने फौरी तौर पर अपने बच्चे को उठाया और अंदर भाग गई। और इस खातून पर कुदरत का ये खसूसी करम था कि उसकी नजर उस सांप पर पड़ गई। अगर वो अपने बच्चे को सुलाकर अंदर चली जाती तो इतने बड़े साइज का सांप तो पूरा आदमी निकल जाता है, बच्चा उसके लिए क्या चीज था। दोस्तों आजकल हाईवे पर ट्रैफिक लॉज की वायलेशन को नोट करने के लिए भी क्लोज सर्किट कैमरास लगाए जाते हैं और अक्सर हाईवे पर लगे हुए इन कैमरास में ट्रक्स वगैरह के ब्रेक फेल होने की वीडियोस भी रिकॉर्ड हो जाती हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप ये मंजर देख रहे हैं, असल में ये वीडियो हाईवे पर बनाए गए रनवे रैंप्स की है कि जो स्पेशली उन ट्रक्स के लिए डिजाइन किए जाते हैं जिनके ब्रेक फेल होते हैं। ये हाईवे के डाउनहिल सेक्शन से जुड़ी हुई रेत और बजरी से बनी हुई एक स्पेशल लेन होती है और उसमें सिर्फ उन गाड़ियों को आने की इजाजत देते हैं जिनके ब्रेक्स काम करना छोड़ जाएं। इन रनवे रैंप्स की खासियत यह है कि चाहे गाड़ी कितनी भी तेजी से आ रही हो, ये फौरी तौर पर उसे रोक देते हैं और यूं लोग किसी बड़े नुकसान से बच जाते हैं। बाद में इन ट्रक्स और गाड़ियों को क्रेन्स के जरिए इस रैंप से बाहर निकाला जाता है। वैसे क्या ख्याल है, इस तरह की चीजें हमारे मुल्क में भी नहीं होनी चाहिए?
वीरू, जानवरों के क्लिनिक की इस सीसीटीवी फुटेज ने दुनिया भर को हिला डाला था। ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने पालतू कुत्ते को लेकर इस वेट क्लिनिक में आई और डॉक्टर का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर के बाद वो टॉयलेट जाने के लिए उठी और गुजरते हुए वेट क्लिनिक के स्टाफ को एक पर्ची पकड़ा गई। स्टाफ ने वो चिट खोल कर देखी तो उस पर लिखा हुआ था कि जल्द से जल्द पुलिस को बुलाओ, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे थ्रेट कर रहा है और उसके पास गन है। ये नोट पढ़कर फौरी तौर पर स्टाफ ने पुलिस को कॉल किया और इसी दौरान उस कपल को डॉक्टर का इंतजार करने के बहाने एक अलग कमरे में बिठा दिया। कुछ ही मिनट के बाद कमरे में डॉक्टर तो नहीं बल्कि 5 पुलिस वाले दाखिल होते हैं और उस लड़के की तलाशी लेकर गन अपने कब्जे में करते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। बॉयफ्रेंड से जान छूटने के बाद वो लड़की अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख सकती और पुलिस को बताती है कि किस तरह उसके बॉयफ्रेंड ने पिछले कई रोज से गन पॉइंट पर उसे अपने साथ रखा हुआ था और उसे मारता पीटता भी था, जिसके निशानात उसने पुलिस को दिखाए। वैसे दोस्तों, यहाँ पर उस लड़की की हिम्मत और बहादुरी के साथ साथ क्लिनिक के स्टाफ की हाजिर दिमागी पर भी एक लाइक तो जरूर बनता है। ये दोनों खवातीन सोने का कंगन खरीदने के बहाने ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुईं और इनमें से एक खातून ने दुकानदार को मजीद वैरायटी दिखाने को बोला और इसी दौरान ज्वेलर को बातों में उलझे देखकर दूसरी खातून ने चुपके से एक सोने का कंगन खिसका लिया। अब अगरचे ये वारदात इतनी सफाई और महारत के साथ की गई थी कि दुकानदार की आंख ने बिल्कुल नहीं इसे पकड़ा, लेकिन सीसीटीवी कैमरे की आंख से ये महफूज न रह सकी। लेकिन अफसोस कि जब तक उस बेचारे ज्वेलर ने ये सीसीटीवी कैमरा फुटेज देखी तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। अब दोस्तों, ये मेड दिखने में तो बड़ी मेहनती और लॉयल लग रही है कि मालिक की गैर मौजूदगी में भी चुपचाप किचन में बर्तन धोती जा रही है। कुछ ही देर के बाद उनमें से कुछ बर्तन वो अपनी साड़ी में छुपा लेती है, लेकिन लगता है कि ये इसने ऐसा पहली बार नहीं किया और मालिक के अक्सर बर्तन गायब होते होंगे। तभी तो इस मेड पर शक होने की वजह से मालिक ने अपने किचन में सीसीटीवी कैमरा लगा लिया। अब ये वीडियो सबूत की बिना पर मालिक ने तो उसे जो सजा दी सो दी। बहुत से लोगों का इंटरनेट पर कहना ये था कि ऐसी सस्ती चीजें कोई गरीब ही चोरी करने पर सकता है जो मजबूरी में उसे खरीद नहीं सकता। तो कमेंट करके आप जरूर बताना दोस्तों कि ये नौकरानी मजबूर थी या पेशावर चोरनी। इंडिया के इस पेट्रोल पंप की सीसीटीवी कैमरा फुटेज ने तो दुनिया को हैरान कर डाला। हुआ कुछ यूं कि एक आदमी बोतल में पेट्रोल लेने के लिए इस पंप पर चला गया, लेकिन गवर्नमेंट के लॉज की वजह से खुला पेट्रोल देने से इनकार कर दिया गया। बस इसी बात पर वो गुस्से में आ गया और कुछ ही देर के बाद वो 3 डिब्बे पकड़े वापस आया। असल में वो आदमी स्नेक कैचर था और इन डिब्बों में 3 खतरनाक सांप थे। वो डिब्बे लाकर उसने इस पेट्रोल पंप की मालकिन के केबिन में उलट दिए। मालकिन की किस्मत अच्छी थी कि वो जहरीले नाग उसकी तरफ आने की दूसरी जानिब निकल गए। बस फिर मौका मिलते ही वो फौरी तौर पर उस कमरे से बाहर निकल आई। और व्यूअर्स, इस जाहिल आदमी की बदला लेने की अनोखी तरकीब अगर सीसीटीवी कैमरा ने ना पकड़ी होती तो शायद ये बात मानने को कोई तैयार ना होता कि सिर्फ पेट्रोल ना मिलने पर कोई किसी पर सांप छोड़ सकता है। कोलंबिया की ये लड़की एक ही रास्ते से रोजाना गुजरकर अपने काम पर जाती थी और हमेशा ये शॉपकीपर उसे आवाजें लगाकर छेड़छाड़ किया करता था। कुछ दिन तक तो उस लड़की बिचारी ने बर्दाश्त किया, लेकिन जब एक दिन जब उसकी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई तो उस आदमी के आवाज लगाने पर वो उसके करीब गई, मगर पास जाते ही उसने पेपर स्प्रे निकाला और उसकी आंखों पर छिड़क दिया। और इस सजा के बाद जितनी मिर्चें उसे लगी होंगी, आइंदा वो किसी भी लड़की को छेड़ने से पहले सोचेगा जरूर। तो अगर आपको टीम वॉइस डेली की ये मेहनत पसंद आई है तो वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस कीजिए और साथ ही साथ रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। जल्द मिलने की उम्मीद के साथ आपको अलविदा कहेंगे। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।